हेलो एवरीवन, दिस इज हेल्थ फिटनेस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत लोग ऐसे मेरे पास डीएम आ रहा था, भैया आप कैसे हो, आपका तबीयत कैसा है। तो सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा जो तबीयत है बहुत ही अच्छा है, अभी मैं ठीक हो चुका हूँ। मेरा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं पकड़ा गया, मतलब मैंने टेस्ट किया था तो रिपोर्ट अच्छा आया है। आप लोग टेंशन मत करो, और आप लोगों का इतना प्यार है तो मेरे को क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार और दुआ करते रहे, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐसे ही मेरे लिए बहुत दुआ करते हो। थैंक यू सो मच। और बहुत लोग ऐसे मेरे पास डीएम से कमेंट आ रहा था, भैया कंपटीशन डे का आपका जो प्रिपरेशन था कैसे क्या हुआ था, थोड़ा अनकट सीन दिखा दीजिए। तो बैक स्टेज में हम लोग का मतलब कंपटीशन तो सब लोग खेलते हैं, बैक स्टेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो टैनिंग होता है उसको करने में बहुत हालत ख़राब होता है, उसके बाद जाके हम लोग स्टेज में परफॉर्म करते हैं। जो लोग देखते हैं बहुत आसान तरीक़ों से देख लेता है परफॉर्मेंस, लेकिन स्टेज में उतरने से पहले जो प्रिपरेशन लेना पड़ता है, जो टैनिंग होता है, उसका जो प्रोसेसिंग रहता है बैक स्टेज में, बहुत ही मेहनत उसमें लगता है। तो उस दिन मैं और मेरा भाई दोनों मतलब दोनों को कलर कर रहे थे। पहले मेरा भाई मेरे को किया था, उसके बाद मैंने मेरे भाई को किया था। तो बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत लोग बोला था वो अनकट सीन देखना चाहते हैं। तो आज वीडियो के अंदर शेयर कर लो, आप लोग देख लो, और कैसे लग रहा है आप लोग को कमेंट में जरूर बताना। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। चलो देख लीजिए। আমাকে এটা বলিস না, আমি এটা জানি না কিছু। ওই সামনে যে আছে না, গাড়ি খারাপ হচ্ছে না, ওই যে তারা মুখ আছে না, এটা বলতে না।
ঢুমা ছিল ভদ্র রোয়েন্ট্রি বোর্ড করি না।